फिरो, तुम लोग कहाँ हो? जल्दी आओ। ए, 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 किधर मालिक? अरे अरे मालिक, क्या हुआ क्या हुआ? जल्दी बताइए क्या हुआ। अरे मालिक क्या हुआ? अरे क्या हुआ मालिक? एक पेड़ के नीचे एक हाथी आराम कर रहा था। उसके विशाल पीठ पर कई पक्षियां बैठी चहचहा रही थी। तभी पास की झाड़ी से एक बड़ा सा काला मच्छर अपने दल बल के साथ उड़ता हुआ बाहर निकला। वो मच्छरों का राजा था। उसने देखा कि पक्षियां हाथी की पीठ पर बैठकर खुशी से चहक रही है, तो उसने सोचा क्यों ना वो भी हाथी के विशाल शरीर पर अपना डेरा जमा ले। रामो भेरू, तुम लोग कहाँ हो? जल्दी आओ। ए, 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 किधर मालिक? अरे अरे मालिक, क्या हुआ क्या हुआ? जल्दी बताइए क्या हुआ। अरे मालिक क्या हुआ? अरे क्या हुआ मालिक? क्यों हमें बुलाए हैं? जल्दी बताइए, अभी मैं 2 मिनट में काम करके रख दूंगा। अरे वाह बीरू और रामू, मैं अति प्रसन्न हुआ तुम लोग के कर्तव्य से कि मुझे तुम जैसे सेनापति मिला। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग हमेशा मेरे साथ इसी तरह सेवा करते रहोगे। अरे रामू, जरा सामने देखना क्या दिखाई दे रहा है। अरे महाराज, वो तो सिर्फ एक हाथी दिखाई दे रहा है। अरे मालिक, आप अगर हुक्म दें तो मैं उस हाथी को इस जंगल से बाहर निकाल दूं। अरे नहीं नहीं, अरे तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अभी आया। राजा मच्छर हाथी की पीठ पर बैठ गया। अचानक उसके मन में विचार आया कि अगर वो हाथी के सूप जैसे बड़े कान में अपना महल बना ले तो मजे में रह सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि वो एक राजा मच्छर है, उसे बताना होगा कि हाथी के कान में महल बनाकर वो उस पर कितना उपकार कर रहा है। मच्छर ने हाथी को आवाज लगाई। अरे ओ हाथी, तुझे जानकर गर्व होगा कि मैं यानी मच्छरों का राजा तेरे कान में अपना महल बनाने का फैसला कर चुका है। अब तू अपना सूंड उठाकर मुझे सलाम कर और धन्यवाद दे। लेकिन हाथी ने मच्छर की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। मच्छर को बड़ा गुस्सा आया। घमंड के कारण बार बार वो अपनी बात दोहराता रहा, लेकिन हाथी टस से मज नहीं हुआ। तब मच्छर ने तय किया कि वो हाथी के कान में ही रहकर एक दिन उसे सबक सिखाएगा, और वो हाथी के कान में रहने लगा। वो हर रोज हाथी के सर पर सवार रहता और उसे अपने राजा होने का एहसास दिलाता, लेकिन हाथी ने कभी इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिर एक दिन मच्छर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने हाथी के कान पर जोर से चिकोटी काटते हुए चीख कर कहा, अरे पागल हाथी, मुझ जैसे राजा की बातों का जवाब ना देने का क्या नतीजा निकलता है? यह आज मैं तुम्हें बताता हूँ, रुक जा। इस बार हाथी को थोड़ी गुदगुदी हुई तो उसने अपने कानों को झटक दिया। मच्छर धड़ाम से गिर पड़ा। गुस्से में लाल होते हुए वो उठा और दोबारा हाथी के कान में घुसकर चिल्लाने लगा। अरे ओ हाथी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं मच्छरों का राजा हूँ, मैंने तुम्हारे कान में अपना घर बनाकर तुम्हारा मान बढ़ाया और तुमने मुझे गिरा दिया। हाथी को इस बार मच्छर की आवाज सुनाई दे गई तो वो बोला, माफ करना मच्छर राजा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मेरे कान में रहते हो। मुझे तुम्हारी आवाज कभी भी सुनाई नहीं दी। यह तो अच्छा हुआ कि आज मैंने धीरे से अपने कान को हिलाया। अगर कहीं जोर से टपकाया होता तो तुम्हारा तो कचुम्बर ही निकल जाता। ये सुनकर मच्छर का सारा घमंड उतर गया और वो अपनी जान बचाकर भाग निकला।